कनी, मैं हूँ अभी जैसलमेर में। चलो अभी मेरा होने वाला है फ़ोटोशूट, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मैंने पहन के रखी है राजस्थानी ड्रेस। तो इसलिए सबसे पहले मैं करने वाली हूँ सिंगल फ़ोटोशूट, उसके बाद मैं करने वाली हूँ कपल फ़ोटोशूट क्रिस के साथ। और यहाँ भैया मुझे एक के बाद एक पोज बताते जा रहे थे और मैं पोज देती जा रही थी और दूसरे वाले भैया मेरे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। अभी हम लोग का होने वाला है कपल फ़ोटोशूट और क्रिस मेरे पास आ गया है पोज देने के लिए। भैया हमें एक के बाद एक पोज बताते जा रहे थे और जैसे भैया हमें पोज बताते जा रहे थे, हम वैसे ही पोज देते जा रहे थे और दूसरे वाले भैया हमारे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। और हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था ना राजा रानी जैसा फील आ रहा था हम लोग को। बहुत फ़ोटोशूट कर ली है और अभी हम लोग जाने वाले हैं गरेशर लेक। गरेशर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है जो पहले के समय में बनवाया गया था यहाँ पानी जमा करने के लिए, और यहाँ पानी जमा होकर फोर्ट में जाता था, क्योंकि जैसलमेर एक डेजर्ट एरिया है और रेगिस्तान में पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको बनवाया था राजा रावल जैसल ने और बाद में इसको मॉडिफाई किया गच्ची सिंह ने, तब से इसका नाम हो गया गरेशर लेक। पहले के समय में लोग बहुत दूर दूर से आकर यहीं पर रुकते थे और यहाँ से पानी लेकर जाते थे। अगर आप लोग गरेशसागर लेक आ रहे हैं तो आप लोग मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग के टाइम पर आ सकते हैं। मॉर्निंग में सनराइज़ और इवनिंग में सनसेट यहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आप लोग सनराइज़ सनसेट का यहाँ मज़ा ले सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ दोपहर के टाइम पर आए थे, क्योंकि उसके बाद आज रात को हम लोग को जाना है वो उदयपुर, इसलिए हम लोग दिन में ही आ गए थे। इतना मज़ा तो नहीं आया क्योंकि बहुत धूप था, लेकिन फिर भी यहाँ पे डेजर्ट एरिया में रेगिस्तान में पानी होना और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो ये बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को। यहाँ पर हम लोग ने बोटिंग किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी छतरीस है और यहाँ पर हिंदू टेंपल्स भी हैं। और यहाँ गिरीश थक चुका था, बोल रहे मुझे बहुत गर्मी लग रही है और मैं भी थक चुकी थी क्योंकि गर्मी लग रही थी। ये जगह बहुत ही पीसफुल है, आप लोग यहाँ आ सकते हैं और बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ देखो गिरीश हमेशा की तरह अपने फ़ोन पे बिजी और मैं फ़ोन लेते हुए उसको कैप्चर कर रही हूँ।
बहुत बोटिंग कर लिया, अभी चलते हैं क्योंकि हम लोग थक चुके हैं बोटिंग कर करके और हमें लेट भी हो रहे हैं तो इसलिए जाना है। तो चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं अभी। लेक के बाहर आप लोग को बहुत सारे लोकल मार्केट्स मिलेंगे, यहाँ से आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए पतवा की हवेली। Thank you.
पटवा की हवेली देखने के बाद हम लोग गए जैसलमेर फोर्ट। यहाँ से देखा हम लोग ने पूरे जैसलमेर को, द गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, जो कि बहुत ही गोल्डन है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ ऊपर से। जैसलमेर फोर्ट देखने के बाद हम लोग का टाइम हो चुका था और हम लोग की बस आ गई थी, क्योंकि आज हमें जाना है उदयपुर, जैसलमेर से उदयपुर। तो चलिए मैं आप लोग को हमारे साथ लेके जाती हूँ। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। Jaisalmer.